नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों यहां पे MP अनुदेशक की देखिए वैकेंसी के लिए एक शॉर्ट नोटिस आया हुआ है। इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो अभी आया नहीं है, वे जैसे ही आएगा मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। इसमें देखिए लिखा गया है, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2022 के संबंध में। ये क्या होगा, पहली बात तो आपको अदर स्टेट वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही है। इसमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है। अब नोटिफिकेशन पूरी तरह से जब आएगा तो पता चलेगा कि आपको 5% अगर UR वाली कैटेगरी में रिजर्वेशन मिल पाता है या नहीं। लेकिन इसमें जैसा लिखा गया है परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो इसके आधार पर अगर मान के चलें तो वैकेंसी जो अदर स्टेट वालों के लिए है उनको नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। वो लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2022 तक है। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि 1 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक, यानी 5 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है इसमें। उसके बाद दिया है कि परीक्षा दिनांक एवं दिन 16/12/2022, इन जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे उसकी भी डेट डिस्क्राइब कर दिए पहले ही। 16/12/2022 को ये शनिवार से प्रारंभ हो जाएगी पहली पाली, और दो पाली में ये परीक्षा करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे जो परीक्षा के शहर रहने वाले हैं इसके, ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम एवं सागर। आवेदन पत्र की प्रक्रिया जो होगी इस वेबसाइट पर आप विजिट करके उस पर आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अनारक्षित वर्गों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रहने वाला है जो आवेदन शुल्क, वो 500 रुपये का रहेगा, और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य OBC वर्ग के लिए 250 रुपये रहने वाला है। ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से 60, उसके मतलब ये दिया है MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क जो होगा वो 60 रुपये, उसका अतिरिक्त रजिस्टर्ड यूज़र के माध्यम से लॉगिन करने में पोर्टल शुल्क 20 रुपये, ठीक है। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है यहाँ पे। तो जो फीस क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे विशेष निर्देश की बात कर लें तो अभ्यर्थी जो मूल निवासी होना चाहिए अनिवार्य है, तो इसका मतलब अदर स्टेट वाले पूरी तरह से बाहर हैं, क्योंकि विशेष निर्देश में दिया हुआ है। अभ्यर्थी का आधार पंजीकरण अनिवार्य है, आधार पंजीकरण होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। ऑनलाइन यहाँ पे लिखा गया कि मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। जैसे आप ये परीक्षा से संबंधित निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं आपको कि जब आप एग्जामिनेशन दे जाएँ तो इन इन चीज़ों का पालन करेंगे। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास वोटर ID प्रूफ वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो ये नोटिस जो था एक शॉर्ट नोटिस जो मैंने आप सभी के सामने अपडेट कर दिया कि जो इसकी वैकेंसी आने वाली है वो आ चुकी है फाइनली, और बहुत जल्दी ये ज्वाइनिंग भी करवा देंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और अनुदेशक से रिलेटेड वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।